देखो पहला दिया क्या कह रहा है, द टू पाई चार्ट्स गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ फोर कॉलेजेस पी क्यू आर एंड एस। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, अच्छा मतलब इस पाई चार्ट का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है ये, और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे पी क्यू आर एस है, और यहाँ पे 20% 25% ये गिवन नहीं है, 20% है, 8% है। ठीक है, यहाँ पे दूसरे पाई चार्ट में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ बॉयज है 1200, यहाँ पे गिवन है बॉयज और स्टूडेंट्स गिवन है, गर्ल्स का कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पे भी पी क्यू आर एस है, इसको मैं दिखा देती हूँ अच्छे से, पी क्यू आर एस है। ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ मिसिंग है, यहाँ पे वाई परसेंटेज है, यहाँ पे एक्स परसेंटेज है। ठीक है, चलो इस तरह के डी आई में मैंने हमेशा कहा है, ये तो आपने पढ़ लिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अच्छे से दिखा देती हूँ यहाँ तक। ठीक है, देखो इस तरह के डी आई जो होते हैं, पाई चार्ट हो या टेबल हो, मिसिंग डी आई हो, जो भी हो, मैंने हमेशा कहा है जहाँ पे आपको ए बी ऐसा कुछ डी आई में कुछ मिसिंग होगा, वहां पे आपको पहले डी आई को कैलकुलेट करना पड़ता है, सो दैट आप क्वेश्चंस को उसके बाद आराम से कर सको। क्वेश्चंस इजी होते हैं इस तरह के डी आई में, क्योंकि आपको टोटल डी आई में ही कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे ए बी परसेंटेज मिसिंग है, ये आप निकालोगे तब जाके क्वेश्चंस कर पाओगे ना, है ना। चलो पहले हम यहाँ पे जो नोट गिवन है उसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉलेज बी इज 100, नंबर ऑफ बॉयज आर ग्रेटर देन गर्ल्स। ठीक है, अच्छा कुछ इसको ऐसे करेंगे कि बॉयज मान लो क्या है, एक्स है, गर्ल्स मान लो कितने, नंबर ऑफ बॉयज ज्यादा है तो गर्ल्स मान लो एक्स है, तो बॉयज कितने हो जाएंगे, एक्स प्लस 100। अब इसको टोटल करेंगे, जितने भी टोटल स्टूडेंट्स होंगे ऐसे करेंगे, नहीं करना है। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, पी की बात कर रहा है। ठीक है, पी यहाँ पे है और यहाँ पे गिवन है 20%। 20% 2500 का कितना होगा, यानी 1/5, दैट इज पी में है टोटल 500 स्टूडेंट्स। ठीक है, 500 में से 100 को माइनस कर दो ना, क्योंकि इनमें डिफरेंस तो 100 है और बॉयज ज्यादा है, तो 100 माइनस करोगे बी एंड गर्ल्स में बचेंगे कितने, 200। 100 माइनस करोगे तो बचेंगे कितने, 400। अब इसको डिवाइड कर दो पार्ट में, दैट इज 200, इक्वली डिवाइड करोगे 200, और 100 किसको दे दो, बॉयज को दे दो। क्यों, क्योंकि बॉयज 100 ज्यादा होंगे, डिफरेंस 100। ठीक है, तो बॉयज हो गए 300, गर्ल्स हो गए कितने, 200। ठीक है, पी की बात कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, पी के स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने हैं, टोटल 500 है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता लग गया क्या, बॉयज 300 है। यहाँ पे देखो ये बॉयज का डेटा है ना, पी यहाँ पे है, एक्स परसेंटेज गिवन है, हमें पता है बॉयज 300 है, 300 टोटल यहाँ पे बॉयज 1200, 300 1200 का कितना परसेंटेज होता है, इनटू 100, 0 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड करोगे 4, 4 से डिवाइड करोगे 25%। इसका हमने निकाल लिया कितना, 25%। अच्छा, इसका हमने 25% निकाल लिया तो y भी हम निकाल सकते हैं, कैसे, 30, 20, 50 और ये 25, 75, तो y कितना होगा बचा, 25। ठीक है, तो y हो गया 25%, इस इतना क्लियर है। चलो इसको मैं इरेज कर देती हूँ, बाकी हम दूसरा नोट जो गिवन है उसको करते हैं। देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज क्यू इज 10। अच्छा, कॉलेज क्यू ये रहा, गर्ल्स कह रहा है कितना, गर्ल्स 10 है, तो बॉयज कितना है, बॉयज यहाँ पे गिवन है 20%, 20% 1200 का कितना, यानी 20 इंटू 12, दैट इज 240 होगा, 240 टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 250। अच्छा यहाँ पे क्यू देखो, क्यू यहाँ पे ए परसेंटेज गिवन है, गिवन है ना, ए परसेंटेज मतलब क्यू, यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 250, 250 2500 का कितना परसेंटेज है, 10%, ये सबको पता है, 10% इसका हमने निकाल लिया, ये 20% 30 और ये 25, 55 बचा है कितना, 45%, ये बचा आर का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे परसेंटेज सब निकाल लिया है, और बॉयज एंड गर्ल्स अब हम बाद में निकालेंगे, ये जितना था उसको हमने बाद में कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे वहां पे जरूरत पड़ी तो हम दोबारा कर देंगे, मैंने इरेज कर दिया है, आपका कॉपी होगा तो वहां पे आप देख के कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखाने के लिए ही ये सब आपको सॉल्व करके दिखाई। यहाँ तक अगर आपका डेटा क्लियर है तो चलो हम अब क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो कह रहा है, इफ 20% स्टूडेंट्स फ्रॉम कॉलेज एस, कॉलेज एस की बात कर रहा है, चलो एस कॉलेज कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे है एस, 25% है, 25 इंटू 25 एस, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 625 है।
अब कह रहा है इसके जो है 20% स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 50%। ठीक है, 20% इसका मतलब 1/5, 5 से डिवाइड करोगे इतना होगा 125। ठीक है, मोर देन 50% देन फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 50%। अच्छा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे? देखो, मैंने आपको कहा कि आपने 30 स्कोर किया है, कुछ आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे? स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं, या तो 30 करेंगे, या तो आप 30 से ज्यादा करोगे, या फिर इक्वल टू 30 करोगे, या फिर आप लेस देन 30 करोगे। सिमिलरली यहाँ पे गिवन है कितना, 50% गिवन है, मोर देन 50% है, या फिर ये मोर देन 50% है, या फिर इक्वल टू 50% होगा, या फिर लेस देन 50% होगा, लेस देन 50% हो। ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटीज ही हो सकते हैं, तीन पार्ट्स में ही डिवाइड हो सकते हैं आपके मार्क्स। ठीक है, कह रहा है फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसको लेस देन 50%। अच्छा, ये 125 जो है ये क्या है, मोर देन 50% कह रहा है ना, मोर देन 50%। तो 125 यहाँ पे आ गया, बचा कितना, यहाँ पे 625 में से 125 गया, तो 500। 500 क्या होंगे, लेस देन 50%। क्यों? क्योंकि हमें कह रहा है फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम होना चाहिए, कोई एक तो मिनिमम होगा ना, ये मिनिमम होगा, मिनिमम क्या है, जीरो। मिनिमम को जीरो मानोगे तभी आप मैक्सिमम निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में गिवन होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो, और एक ऑप्शन आपको ऐसा गिवन होगा जिसमें 500 ऑप्शन ऑप्शन में होगा ही। ठीक है, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मैक्सिमम ऐसा क्वेश्चन आप जहां पे भी देखो ना, फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा गिवन होगा, 50% मोर देन है, लेस देन मतलब जो होगा वो आपका लेस देन क्या कह रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स लेस देन 50% कह रहा है। तो मैक्सिमम आपका ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो वहां पे आप मैक्सिमम इस तरह से ही निकालोगे। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज आर इज व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज एस। गर्ल्स इन कॉलेज आर की बात कर रहा है। ठीक है, आर में यहाँ पे बॉयज कितने हैं, बॉयज 30% है, दैट इज 12 × 3, 360, 360 बॉयज हो गए। ठीक है, और स्टूडेंट्स कितने हैं, आर यहाँ पे आर का परसेंटेज हमने 45% निकाला, 45% ऑफ 2500, या 25% ऑफ 4500 निकालो, एक ही बात है। 25 मतलब 4 से डिवाइड करोगे कितना, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 1 1 2 5 कितने हैं, ये हो गए टोटल स्टूडेंट्स। 360 बॉयज माइनस कर दोगे तो गर्ल्स हो जाएंगे 5, 12 में से 6 गया 6, और 10 में से 3 गया 7, 765 क्या हो गए, गर्ल्स हो गए। ठीक है, गर्ल्स कह रहा है गर्ल्स व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज एस। कॉलेज एस में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, एस यहाँ पे 25% है, 25 25, 625 625 कॉलेज एस में टोटल स्टूडेंट्स, ये इससे कितना ज्यादा है, 5 से 5 गया 0, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 6 गया 1, 140 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 625 से, इंटू 100, 5 से डिवाइड करोगे कितना होगा, 25 से डिवाइड करो ना, 25 4 जा 100, 25 से डिवाइड करोगे 25 2 जा 50, और 25 5 जा 125। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे तो 5, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 जा 10, और 5 8 जा कितना, 40, 28 × 4, 30, 28 × 4 ना, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, 1 1 2 डिवाइड बाई 5, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 22.4% क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा, 22.4%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका होमवर्क, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज पी एंड आर एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज क्यू एंड एस। ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। अब करते हैं नेक्स्ट डीआई, देखते हैं क्या उसमें गिवन है। ठीक है, देखो कह रहा है गिवन टेबल शोज ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कार रेसिंग गेम वेयर 4 कार्स एक्स वाई जेड एंड पी आर कम्पीटिंग टू रीच द फिनिशिंग लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2000 मीटर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 2000 मीटर है फ्रॉम देयर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट्स गिवन है। पहला नोट कह रहा है ड्रिफ्ट रेफर्स टू ओवर स्टार्टिंग डन बाई द ड्राइवर इंटेंशनल। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, व्हाइल कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड डू नॉट कंसीडर टाइम टेकन इन ड्रिफ्ट और क्रैश।
यहाँ पे गिवन है पॉइंट्स इज इक्वल टू 15 टू ड्रिफ्ट माइनस 20 इंटू क्रासिस। यहाँ तक जिसको समझ में नहीं आया है पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद हम डीआई सॉल्व करेंगे। देखो एज एन एस्पिरेंट, अगर मैं एस्पिरेंट होती हूँ तो मैं अगर देखती हूँ कि यहाँ पे कुछ ड्रिफ्ट गिवन है तो ये डीआई आया था एग्जैक्ट डीआई। अगर आपको ड्रिफ्ट गिवन है वर्ड आपको नहीं पता है, चलो मुझे एज एन एस्पिरेंट मुझे नहीं पता है ड्रिफ्ट और क्रैश क्या होते हैं ये मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करती हूँ क्वेश्चंस पे पहले जाती हूँ कि क्वेश्चंस क्या गिवन है, क्वेश्चंस को पहले देखो। अगर आपको क्वेश्चंस पे भी आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, क्वेश्चंस पे भी आपका समझ में नहीं आता कि कैसे करना है, उसके बाद आप कहो कि डीआई मुश्किल है। बट यहाँ से इतना देख के अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि ड्रिफ्ट क्रैश कुछ नया दे दिया है हमें नहीं पता है और आप उस डीआई को स्किप कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, वहां पे ये चीज आप मत करना, ठीक है। वहां पे एक क्या होता है, ये क्वेश्चंस जो होते हैं अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो वो अलग बात है, क्योंकि वहां पे अगर इस चीज को देखकर आप छोड़ रहे हो डीआई तो आप 5 क्वेश्चंस कर सकते थे नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दूंगी क्वेश्चंस कितने इजी थे इस डीआई के, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं नहीं बताती हूँ कि ड्रिफ्ट और क्रास क्या मतलब है, आपको नहीं पता है, मान लो आपको नहीं पता तो आपको कैसे करना है। यहाँ पे कुछ गिवन है पॉइंट्स कैसे निकालना है आपको, 50 इंटू ड्रिफ्ट माइनस 20 इंटू क्रासेस, इतना बस आपको याद रखना है, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ गिवन है, कार गिवन है एक्स वाई जेड और पी, ड्रिफ्ट क्रास और टाइम टेकन टू रीच फिनिशिंग लाइन, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या गिवन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है वाईस पॉइंट्स आर 60 मोर देन जेड्स पॉइंट्स, देन हाउ मेनी मोर ड्रिफ्ट शुड कार वाई हैव मेड टू गेट दोस पॉइंट्स, ठीक है। कह रहा है वाई के पॉइंट्स की बात करें। यहाँ पे देखो पॉइंट्स को लेकर एक फॉर्मूला आपको गिवन है, राइट, पॉइंट्स को लेकर एक फॉर्मूला गिवन है, तो चलो हम पहले ही स्टार्ट करते हैं ना। कह रहा है 22 पॉइंट्स हमें चाहिए जो कि 60 मोर देन है जेड पॉइंट के, जेड के पॉइंट्स के, जेड कितने पॉइंट्स है जेड के, पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, 50 इंटू ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट यहाँ 8 है, 50 इंटू 8 माइनस 20 इंटू क्रासेस, 20 इंटू क्रास यहाँ पे 6 है, 20 इंटू 6 हो गया, जेड के पॉइंट्स निकाल गए, यह निकल गए यहाँ पे कितना है 50 इंटू 8 400 माइनस 20 इंटू 6 120, 400 में से 100 जाएगा तो 300, 20 जाएगा तो 280, 280 पॉइंट्स किसके हैं जेड के। अच्छा 280 के, 280 से प्लस 60 ज्यादा है किसके, वाई के, ये कितने हो गए 340 हो गए। अब क्या कह रहा है, देन हाउ मेनी मोर ड्रिफ्ट शुड कार वाई, अच्छा वाई के ड्रिफ्ट हमें नहीं पता है टू मेड टू गेट दोज पॉइंट्स, वाई के पॉइंट्स इतने हैं हमें पता चल गया, वाई के पॉइंट्स हमें कैसे निकालना है। यहाँ पे वाई के देखो ड्रिफ्ट 5 है, ये मान लो आप क्या करोगे एक्स 5 प्लस एक्स ऐसे करोगे, नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि देखो आगे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो ड्रिफ्ट हमें क्या है 50 इंटू एक्स मान लो, क्यों करना है ये मैं बाद में बताती हूँ, माइनस 20 इंटू कितना करना है 3, 20 इंटू 3 करोगे इज इक्वल टू कितना है 340 पॉइंट्स, 340 पॉइंट्स, ठीक है। अब 340 में ये 20 ये माइनस है, ठीक है, माइनस ये 20 इंटू 360 ऐड हो जाएगा तो कितना होगा 400, तो 50x इज इक्वल टू 400, तो x कितना आएगा, x का वैल्यू आएगा 8, लेकिन हमें क्या पूछ रहा है हाउ मेनी मोर ड्रिफ्ट, तो पहले ड्रिफ्ट थे कितने 5, अब है कितने 8, तो ज्यादा कितने हैं 3, तो 3 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप x प्लस 5 या 5 प्लस x जो भी करते वहां पे क्या होता कि वहां पे आपका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे ये चीज नहीं लिया, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अनदर कार क्यू मेक्स टोटल ड्रिफ्ट सेम एज दैट ऑफ कार जेड, ठीक है। अनदर कार क्यू मेक्स टोटल ड्रिफ्ट सेम एज दैट ऑफ कार जेड, जेड के ड्रिफ्ट यहाँ 8 है, क्यू के भी 8 है, तो पॉइंट्स कितने होंगे, पॉइंट्स हम नहीं निकालते हैं, आगे देखते हैं क्या कह रहा है, स्टिल गॉट 0 पॉइंट्स, अच्छा पॉइंट्स की बात कर रहा है, तो 50 इंटू 8 माइनस हाउ मेनी क्रासेस मस्ट कार क्यू हैव गॉट, अच्छा क्रासेस हमें निकालना है तो ये हम क्रासेस तो नहीं लेंगे, माइनस क्रासेस हमें नहीं पता है, 20 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट्स कह रहा है। अच्छा ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इतना आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, ओरली समझो क्या होता है, 50 इंटू 8 कितना 400, 400 में से कितना माइनस करोगे 0 होगा, 400 माइनस करोगे ना, तो 20 इंटू कितना होगा, 20 इंटू कितना करोगे तो 400 होगा, 20 करोगे राइट, तो 20 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, दैट्स इट, इतना ही आसान है क्वेश्चन करना। देखो यहाँ पे आप इस चीज को अगर देख के डर गए कि ये हमें नहीं पता है क्या दे दिया है, अब इस डीआई के 5 क्वेश्चंस मुझसे होंगे कि नहीं, तो आप नहीं कर पाओगे, बट अगर आप क्वेश्चंस को एक बार देख लेते हो और आप उस फॉर्मूला के बेसिस पे जाके करते हो तो आपके क्वेश्चंस इजीली बन रहे हैं, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ कार पी इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन स्पीड ऑफ कार वाई। ठीक है, कार पी का स्पीड हमें नहीं पता है, यहाँ पे तो टाइम गिवन है, राइट। ठीक है, एक चीज आपको पता है, टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होता है, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो टाइम यहाँ पे गिवन है ना, पी और क्या वाई, पी का यहाँ 120, वाई का यहाँ कितना है 180, 180 सेकेंड्स में गिवन है। 0 0 कैंसिल, 6 से डिवाइड करोगे 2, 6 से डिवाइड करोगे 3, ये क्या है टाइम का है, तो स्पीड का क्या होगा 3:2। अब कह रहा है पी इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन वाई। ठीक है, ये जो है ये कितना परसेंटेज ज्यादा है, 1 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, इंटू 100, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 50%। इतना ही आसान है, राइट। तो क्या देखो, अब आपको क्या यहाँ पे आपको ड्रिफ्ट की मतलब क्रैशेस की मतलब आपको समझने की जरूरत पड़ रही है, नहीं पड़ रही है, राइट, क्योंकि आप एक के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच कार गॉट मैक्सिमम पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द रेस। पॉइंट्स, यहाँ पे भी आपको पॉइंट्स ही निकालना पड़ रहा है। देखो एक का तो हमने यहाँ पे निकाल लिया है, दूसरे का निकालो, 50 × 7, 50 × 7 कितना होगा, 350, 350, और ये 20 × 5 -100, 350, 20 × 5 में नहीं लिख रहे हो, -100 लिख दे रहे हो, ये होगा कितना 250। ठीक है, ये कितना होगा 50 × 5, दैट इज 250 -20 × 3 60, जाएगा तो 190। ये कितना होगा 50 × 6 300 -20 × 4 80, दैट इज 220। किसके पॉइंट ज्यादा है, इसके पॉइंट ज्यादा है, डेफिनेटली जेड इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं कर दूं या आप करेंगे, ठीक है मैं कर देती हूँ। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द न्यू स्पीड ऑफ, एक मैंने आपको होमवर्क दे दिया है तो ये मैं कर देती हूँ। ठीक है, व्हाट इज द न्यू स्पीड ऑफ कार पी इफ इट कवर्स थ्राइस द डिस्टेंस। अच्छा पी की बात कर रहा है, ठीक है, थ्राइस द डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पे आपको गिवन था 2000 मीटर, तो थ्राइस हो जाएगा तो कितना 6000 मीटर। ठीक है, थ्राइस द डिस्टेंस इन 5/6 ऑफ हिज ओरिजिनल टाइम। ओरिजिनल टाइम यहाँ पे पी का कितना है 120, ठीक है, डिवाइडेड बाई 120 इंटू 5/6 करना है तो 5/6 ऊपर चला जाएगा, 0 0 पहले ही कैंसिल हो गए, 2 से डिवाइड करोगे तो इससे 6 से डिवाइड करोगे 2 होगा, 2 से डिवाइड करोगे 300, 5 से डिवाइड करोगे कितना होगा 60, 60, व्हाट इज द न्यू स्पीड, 60 किलोमीटर पर आवर या 60 मीटर पर सेकेंड होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको मीटर था, ये वन ये सेकेंड में था, ठीक है, 60 मीटर पर सेकेंड करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक, देखो कहीं पे भी आपको क्रासेस या ड्रिफ्ट की मतलब आपको समझने की जरूरत पड़ी, ड्रिफ्ट और क्रासेस की मतलब आपको समझने की जरूरत पड़ी, ये मैंने आपको कुछ स्टूडेंट्स जो थे उनसे मैंने पूछ के लिया है कि क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे लास्ट ईयर के आईबीपीएस पीओ मेंस में, डीआई जो आए थे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, एग्जैक्ट इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, डीआई भी बिल्कुल एग्जैक्ट यही था, जो कुछ स्टूडेंट्स क्या इस डर से करके नहीं आए थे। तो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि इस बार आईबीपीएस पीओ मेंस में अगर इस टाइप का डीआई आए तो आप कर ले जाओगे। अगर कोई नया डीआई आ रहा है जिसमें कुछ नए वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स अगर आप देख रहे हो तो पैनिक मत करो, पहले आप क्वेश्चंस को देखो, अगर क्वेश्चंस आपको मुश्किल लग रहे हैं तो वो अलग बात है, उसको आप स्किप करके दूसरा डीआई देख सकते हो। बट अगर आप क्वेश्चंस पे जाके वहां पे जो आपको कोई भी फॉर्मूला गिवन होगा, जैसे ये फॉर्मूला आपको गिवन है, तो उस फॉर्मूले को अगर आप अप्लाई करके कर लेते हो तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, इन द पाई चार्ट गिवन बिलो द डेटा ऑफ 4 कुकीज कंपनी प्रोड्यूस चॉकलेट कुकीज एंड बटर कुकीज। द फर्स्ट पाई चार्ट इज ऑफ टोटल नंबर ऑफ कुकीज एंड द सेकेंड पाई चार्ट इज ऑफ चॉकलेट कुकीज। यानी यहाँ ए बी सी डी जो है वो चॉकलेट कुकीज और बटर कुकीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये फर्स्ट पाई चार्ट जो है ये टोटल नंबर ऑफ कुकीज है, यानी यहाँ चॉकलेट कुकीज भी है और बटर कुकीज भी है, और ये सेकेंड पाई चार्ट जो है यहाँ सिर्फ चॉकलेट कुकीज है। ठीक है, देखो नोट में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ बटर कुकीज इन ए इज 110 एंड इन बी इज 35। यानी यहाँ वैल्यू सिर्फ ये दोनों गिवन है, इसके अलावा और कोई वैल्यू गिवन नहीं है। जहाँ वैल्यू गिवन नहीं होता है पाई चार्ट में, तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज के केस में 100 मान के चलते हैं और डिग्री के केस में हम 360 डिग्री मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ परसेंटेज की बात कर रहा है तो हम 100 मान के चलेंगे। यहाँ वैल्यू क्या गिवन है, देखो बटर कुकीज की बात कर रहा है तो हम बटर कुकीज निकालेंगे कैसे, ये टोटल कुकीज है और ये है चॉकलेट कुकीज, यानी हम इसमें से अगर इसको माइनस करें, टोटल कुकीज में से चॉकलेट कुकीज को माइनस करेंगे तो बटर कुकीज निकाल सकते हैं, है ना।
तो हम इसमें से इसको कैसे माइनस करेंगे, यहाँ भी तो वैल्यू गिवन नहीं है, यहाँ एन परसेंटेज है, यहाँ एम परसेंटेज है, यानी हमें इन वैल्यूज को पहले निकालना पड़ेगा, तभी हम बटर कुकीज निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो ये है टोटल, ये 100 होना चाहिए, यहाँ टोटल कितना है, देखो ये एन टू एन कितना होगा 3n, ये एन 4n और ये एन कितना होगा 5n, 5n और ये 20 प्लस 5 25, 5n प्लस 25 इज इक्वल टू कितना होगा 100, तो 5n कितना होगा 75, तो n कितना आएगा 15, n की वैल्यू यहाँ 15 निकल कर आई। देखो हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ टोटल और यहाँ चॉकलेट, इसमें से जो माइनस करेंगे वो आएगा बटर। ठीक है, यहाँ टोटल n जो है वो d को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये कलर d को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो n कितना निकल कर आया हमारा 15, d यहाँ 15 हो गया, और c कितना है 2n, 2n यानी 30, b कितना है n प्लस 5, 15 प्लस 5 कितना होगा 20, और a कितना है n प्लस 20 यानी 15 प्लस 20 कितना होगा 35। ठीक है, यहाँ निकल कर आया फर्स्ट का पाई चार्ट, ये फर्स्ट पाई चार्ट का। ठीक है, ये गया टोटल कुकीज, अब निकालो चॉकलेट कुकीज। चॉकलेट कुकीज में देखो ऑलरेडी गिवेन है 40% और 20%, 40% किसका वैल्यू है ए का, तो यहाँ आएगा 40, और 20% ग्रीन किसका है सी का, तो यहाँ आएगा 20, तो ये दोनों मिला के कितना हुआ 60, बचा कितना 40, तो m प्लस 10 और m जो है 40 होंगे, यानी 2m इज इक्वल टू कितना होगा 30, तो m कितना आएगा 15, यहाँ भी m का वैल्यू 15 निकला, यानी d का वैल्यू जो है 15 होगा, और ये कितना है m प्लस 10 यानी b का कितना होगा 25। ठीक है, यहाँ तक निकल गया। अब बटर कुकीज देखो नोट में क्या है, a में कितना है 110, b में कितना है 35। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कैसे करेंगे, यहाँ मान लो x, यहाँ मान लो y, 35x माइनस 40y कितना होगा 110, 20x माइनस 25y इज इक्वल टू 35। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम x और y निकालेंगे, कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ तक पता चल गया तो बाकी सबको इरेज कर देते हैं ताकि हम x और y की वैल्यू निकाल सके। यहाँ 5 से डिवाइड करोगे तो ये कट जाएंगे, कितना होगा यहाँ 7x माइनस 8y इज इक्वल टू 110 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा 22। यहाँ 4x माइनस 5y इज इक्वल टू कितना होगा 7। ठीक है, यहाँ हम अगर x को बराबर कर देंगे तो x कट जाएगा, फिर y निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ इंटू 4 करो, यहाँ इंटू 7 करो, यहाँ फिर से x लिख के उसको माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है, हम x को माइनस कर ही रहे हैं, तो यहाँ y को करो इंटू 4 इंटू 8 कितना होगा 32y इज इक्वल टू 4 इंटू 22 कितना होगा 88। यहाँ 7 इंटू 5 कितना होगा 35y इज इक्वल टू 7 इंटू 7 49, तो यहाँ 3y इज इक्वल टू कितना होगा 18 में से 9 गया तो 9, ये 7 4 3 39, तो y कितना निकला 13। तो यहाँ अगर y को प्लेस कर देंगे तो कितना होगा 4x माइनस 5 इंटू 13 65, 65 को यहाँ 7 से ऐड कर देंगे तो कितना होगा 72, तो 4x अगर 72 है तो x कितना होगा 18, तो यहाँ x और y का वैल्यू 18 और 13 निकल कर आया। अब हो गया ये पूरा डीआई सॉल्व, x और y की वैल्यू यहाँ कहीं भी प्लेस करके आसानी से हर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। अब x और y की वैल्यू पता चल गई, इन सबको इरेज कर देते हैं, सिर्फ x और y की वैल्यू लिख लेते हैं। x कितना आया था 18 और y कितना आया था हमारा 13। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड दी बटर कुकीज मेड बाई सी इज हाउ मच लेस देन दैट ऑफ डी। तो यहाँ सी और डी में बटर कुकीज निकालना है, सी में 30x है, 18 इंटू 30 कितना होगा 540, यहाँ 20y है, 13 इंटू 20 कितना होगा 260, इसको माइनस कर दो कितना होगा 280, बटर कुकीज सी का आया। डी का कितना है, यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, तो 15x माइनस y होगा, x माइनस y कितना है 5, 15 इंटू 5 कितना होगा 75, 280 से 75 गया 205, विच इज इन ऑप्शन ई, तो ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो मेंस में क्या होता है, या तो आपको डीआई सॉल्व करने के लिए देगा और क्वेश्चंस इजी दे देगा जैसे इस डीआई में था, या फिर अगर डीआई में कुछ नहीं होगा तो क्वेश्चंस में कैलकुलेशन दे देगा, जैसे नेक्स्ट केसले डीआई आएगा उसमें देखना डीआई में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगेगा। देखो अगला डीआई देखो क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, इन ए कॉलेज देयर आर टू स्ट्रीम्स ए एंड बी, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्ट्रीम बी इज 30 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्ट्रीम ए, नंबर ऑफ बॉयज इन स्ट्रीम बी इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्ट्रीम बी। ठीक है, एक कॉलेज है जिसमें ए और बी दो स्ट्रीम है, गर्ल्स है और बॉयज है।
ठीक है, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्ट्रीम डी इज 30 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्ट्रीम ए। तो अगर गर्ल्स ए में एक्स है तो यहाँ कितना होगा बी में, 2x प्लस 30। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बॉयज इन स्ट्रीम बी इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्ट्रीम ए। गर्ल्स तो एक्स है, बॉयज अगर हम वाई मान लेंगे तो यहाँ बी में कितना होगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ए में टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, एक्स प्लस वाई, बी में कितने हैं, 3x प्लस वाई प्लस 30। ठीक है, डी आई में से सिर्फ इतना निकल कर आया, बाकी जो भी होगा वो क्वेश्चन में होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्ट्रीम बी इज 180 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्ट्रीम ए। ठीक है, यहाँ बी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 3x प्लस वाई प्लस 30, 3x प्लस वाई प्लस 30, 180 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्ट्रीम ए, यानी एक्स प्लस वाई इंटू टू करोगे तो माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना होगा, 180। यहाँ होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 180 से 30 गया 150, x माइनस वाई कितना आया, 150। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्ट्रीम डी। गर्ल्स कितने हैं, 2x प्लस 30 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्ट्रीम ए। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, x प्लस वाई, माइनस करोगे माइनस x माइनस वाई होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, x माइनस वाई प्लस 30 होगा, x माइनस वाई कितना आया था, 150 प्लस 30 कितना होगा, 180, विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखा क्वेश्चन में कैलकुलेशन था, अगर हम क्वेश्चन को नहीं करते, सिर्फ डी आई करके छोड़ देते, x और y निकला, वैल्यू तो निकला ही नहीं सोच के छोड़ देते, तो हम 2 मार्क्स ऐसे ही छोड़ देते, क्योंकि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्ट्रीम ए इज एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इन स्ट्रीम ए इज वाई। गर्ल्स क्या कह रहा है, ए में एक्स है तो हमने एक्स ही माना है, ठीक माना है, और बॉयज क्या है, वाई है, तो हमने वाई माना है, तो ये जो है ये ठीक है, इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। आगे क्या कह रहा है देखो, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज इन स्ट्रीम ए एंड बी टूगेदर। बॉयज कितने हैं, वाई, एक्स प्लस वाई कितना होगा, एक्स प्लस 2y। ठीक है, एंड टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्ट्रीम ए एंड बी टुगेदर। गर्ल्स कितने हैं, 3x प्लस 30 होगा, माइनस 3x माइनस 30 होगा। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, 2y माइनस 2x माइनस 30 आएगा, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये ऐसा ही कुछ वैल्यू आ रहा था, स्टूडेंट्स का कहना था कि एक्स माइनस वाई में कुछ वैल्यू आ रहा था। ठीक है, कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं आ रहा था। अगला डी आई देखो क्या कह रहा है, ए ट्रेन क्रॉसिंग थ्रू स्टेशन ए बी सी एंड डी ऑन मंडे एंड ट्यूजडे, द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन ऑन मंडे इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड ट्यूजडे इज 62.5 किलोमीटर पर आवर। द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम स्टेशन ए टू बी ट्यूजडे 2 आवर्स मोर देन टाइम टेकन टू बी टू सी इक्वल सी टू डी 4 आवर्स। ठीक है, कुछ कह रहा है मंडे है और ट्यूजडे है। ठीक है, ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है और सी से डी जा रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम स्टेशन ए टू बी ऑन ट्यूजडे इज 2 आवर्स मोर देन दैट ऑफ ऑन मंडे। अगर मंडे एक्स है तो ये कितना होगा, ट्यूजडे, एक्स प्लस 2 टाइम ले रहा है। ठीक है, देन क्या कह रहा है, द टाइम टेकन टू गो फ्रॉम स्टेशन बी टू सी इज इक्वल ऑन बोथ डेज, यानी यहाँ अगर हम y मानेंगे तो यहाँ भी होगा y। ठीक है, टाइम टेकन टू गो फ्रॉम स्टेशन c टू d ऑन ट्यूजडे इज 4 आवर्स लेस देन दैट ऑफ ऑन मंडे। तो यहाँ अगर हम z मानेंगे तो यहाँ कितना होगा, z माइनस 4 होगा। आगे क्या कह रहे हैं देखो, द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज 40% लेस देन दैट ऑफ c एंड d एंड डिस्टेंस बिटवीन b एंड c 50% मोर देन दैट ऑफ a एंड b। ठीक है, डिस्टेंस कह रहा है a से b, बी से सी और सी से डी। क्या कह रहा है, ए एंड बी इज 40% लेस देन दैट ऑफ सी एंड डी। अगर सी एंड डी को हम मानते हैं 100 डी, डी मान लेते हैं डिस्टेंस है ना, तो ए एंड बी कितना होगा, 40% लेस है, 60 डी। ठीक है, बी एंड सी इज 50% मोर देन दैट ऑफ ए एंड बी, यानी इससे 50% ज्यादा है, 60 का 50% कितना है, 30, 60, 30 कितना होगा, 90 डी। ये आया टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहाँ, 100, 90, 60, 250 डी। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है, जो भी इस डीआई में थी पूरा हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। अब इसी डेटा को लेकर हम अगले स्लाइड में चलते हैं, जो भी क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ डिस्टेंस भी है, एवरेज स्पीड भी है और टाइम भी है। तो हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डाल के यहाँ वैल्यू निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है 250 d। टोटल टाइम यहाँ मंडे का क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ ट्यूसडे का क्या होगा? x प्लस वाई प्लस जेड। 2 - 4 कितना होगा? -2। ठीक है, तो यहाँ 250 d डिवाइड बाई x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना होगा? 50। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा? 50 से काटोगे तो 5 d। ठीक है, तो ये कितना होगा? 5 d माइनस 2 होगा। ठीक है, ट्यूसडे का क्या होगा? 250 d डिवाइड बाई यहाँ कितना आया था? 5 d माइनस 2 इज इक्वल टू 62.5। 62.5 से काटोगे तो ये कितना आएगा? 4 आएगा शायद। 64 जा 240 और 2.54 जा 50, यानी 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ d का वैल्यू क्या आया? 2। ठीक है, तो यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या होगा? 250 इंटू 2 कितना होगा? 500। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए टू बी एंड दैट ऑफ बी टू सी। डिस्टेंस ए टू बी कितना है? 60 d, यानी होगा 120। और बी टू सी कितना है? 90 180। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 60 किलोमीटर, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फाइंड द टोटल टाइम टू कवर डिस्टेंस ए टू डी ऑन मंडे। टोटल टाइम क्या आया था मंडे में? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इसका वैल्यू क्या आया था? 5 d। डी का वैल्यू क्या आया था? 2। तो 5 d इज इक्वल टू कितना होगा? 10 hours, विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ऑन मंडे स्पीड बिटवीन स्टेशन बी टू सी इज 20% मोर देन दैट ऑफ सी टू डी एंड टाइम टेकन टू कवर बी टू सी इज 2 hours लेस देन दैट ऑफ सी टू डी। फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी। तो यहाँ अलग टाइम और स्पीड दे रखा है, स्पीड निकालने की बात कर रहा है। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ सी टू डी, यहाँ बी टू सी। इसका बी टू सी डिस्टेंस कितना आया था? 180। और इसका डिस्टेंस कितना आया था? 200 आया। ठीक है, क्या कह रहा है? स्पीड बिटवीन बी टू सी इज 20% मोर देन सी टू डी। 20% मतलब 1/5। तो यहाँ अगर 5x है तो यहाँ कितना होगा? 6x होगा। ये स्पीड की बात कर रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? टाइम टेकन टू कवर बी टू सी इज 2 hours लेस देन दैट ऑफ सी टू डी। तो अगर ये t है, ये कितना होगा? t - 2 होगा। तो यहाँ टाइम के बीच डिफरेंस 2 है। ठीक है, तो यहाँ टाइम निकाल लेंगे हम, कितना होगा? 200/5x कितना होगा? 40/x। यहाँ 180/6x कितना होगा? 30/x। इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 है। 10/x कितना होगा? 2। तो 2x इज इक्वल टू 10 है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 5। ठीक है, तो क्या कह रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी। सी टू डी में स्पीड कितना है? 5x। 5x कितना होगा? 25 km/h, विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला डी आई देखो क्या कह रहा है। डेटा गिवेन बिलो रिप्रेजेंट द पीपल मेल प्लस फीमेल लिटरेट एंड इलिटरेट। रीड द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। देखो ये जो टेबल है ये क्या कह रहा है? परसेंटेज ऑफ लिटरेट है कुछ यहाँ मेल और फीमेल की, यहाँ परसेंटेज एंड वैल्यू है मेल लिटरेट की, यहाँ परसेंटेज ऑफ मेल इलिटरेट की, यहाँ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स है, और यहाँ कुछ एन ए भी है। एन ए क्या है? यहाँ नोट में है, डेटा इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो ये भी वो डी आई है जिसमें इस पूरा डी आई को हमें समझनी पड़ेगी, इसको सॉल्व करने के अप्रोच को समझनी पड़ेगी। यहाँ इसको पूरे सॉल्व करने मत बैठ जाना, इसको सीधे क्वेश्चन से सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ए एंड लिटरेट मेल पॉपुलेशन ऑफ सिटी ई। ठीक है, यहाँ लिटरेट मेल पॉपुलेशन ई की यहाँ दे रखी है 1530। हमें निकालना है मेल पॉपुलेशन सिटी ए की। ठीक है, और इनके बीच का डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। ए का मेल पॉपुलेशन कैसे निकालोगे? देखो यहाँ ए का टोटल पॉपुलेशन मान लो 100x है, जिसमें से लिटरेट भी कुछ है इलिटरेट भी कुछ है। लिटरेट कितने हैं? टोटल 75x हैं, और तो इलिटरेट कितने हो जाएंगे? 25x। ठीक है, यहाँ परसेंटेज एंड वैल्यू ऑफ मेल लिटरेट की बात कर रहा है, तो यहाँ मेल होंगे यहाँ फीमेल होंगे। यहाँ कितना है? 1050 दे रखा है, यहाँ कितना होगा? 75x - 1050। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? परसेंटेज ऑफ मेल इलिटरेट की बात कर रहा है, यहाँ मेल इलिटरेट कितना है? 40%, यहाँ मेल यहाँ फीमेल। 40% 25 का या 25% 40 का कितना होगा? 1/4 40 का, यहाँ 10x, तो यहाँ कितना होगा?
15 एग्स। फिर यहाँ टोटल नंबर ऑफ फीमेल कह रहा है 750, यानी इसका टोटल वैल्यू होगा 750। तो यहाँ 75 एक्स 15 एक्स कितना होगा 90 एक्स माइनस 1050 कितना आया 750। तो 90 एक्स कितना होगा 1800। तो एक्स का वैल्यू क्या निकल कर आया 20। ठीक है, तो यहाँ हमें मेल चाहिए था, तो यहाँ 10 एक्स में प्लेस कर दो 20, तो ये कितना होगा 200। यहाँ इसमें ऐड कर दो, यहाँ ये कितना होगा, ए का टोटल मेल पॉपुलेशन कितना होगा 1250। ठीक है, तो ये 1530 में से 1250 गया तो कितना होगा 13 में से 5 गया 8, 4 में से 2 गया 2, 280, विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये है अप्रोच। यहाँ टोटल पॉपुलेशन को 100 मान के चलो, जिसमें से लिटरेट भी होंगे, इलिटरेट भी होंगे, इसमें भी मेल और फीमेल होंगे, इसमें भी मेल और फीमेल होंगे, जिसका वैल्यू कुछ दिया हुआ है, कुछ परसेंटेज में है, जिसको आपको निकालना है। अगर ये अप्रोच आपको पता चल गई तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है।